टाइम नहीं मिला, मैं बीमार भी था बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आया हूँ अपने मास्टर केज के पास, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। पहले मैं वो साफ़ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना मास्टर केज दिखाता हूँ। तो दोस्तों सफाई हो चुकी है और अब हम मास्टर केज के अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ सैड न्यूज़। तो पहले अंदर जाते हैं, अंदर चलो अंदर। ये देखिए आपको आज मास्टर केज बड़ा खाली लग रहा होगा। यहाँ पर ये चूजे और एक मुर्गी, बाकी सारे कहाँ गए? तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो पहली बात, यहाँ पर सफाई हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से मैं पत्थर क्योंकि जब ये मिट्टी में खेलते वो सारी यहाँ पर अभी भी आई है और इन्होंने ना खाना फेंक दिया, वरना मैंने कटोरी में अलग रखा था। बताता हूँ, ये जो मुर्गी है ये सबके साथ लड़ाई करती है और वो सारे भी लड़ाई करती थी करते थे वहाँ से। अब हमने उन्हीं को बेच दिया मुर्गे को, और जो हमारी मुर्गियाँ थी उनको भी बेच दिया। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि ये उनके साथ लड़ाई करती थी और वो चूज़ों को मारते थे, इसलिए ये यहाँ से मतलब थोड़ा अटैक करती थी उनको। बाकी और अब हम इसी को बेच देते, बाकी को रख देते, क्योंकि इनने इसको पता है, इसने अब इनको ये अडॉप्ट कर लिया था और बच्चे भी इसको अपना माँ बना मान रहे थे, इसलिए मैं इनको क्या करता भाई आप ही बताओ। ये देखिए ना माशाल्लाह कितना बड़ा हुआ है। अरे देखिए दोस्तों कहाँ से निकल गए, ये तो बड़े चालाक हैं। नहीं नहीं इधर आ जाओ। इनको हम एक काम करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट, इनको हम बाहर का आदि बना देते हैं आंगन का, फिर खुद ही अंदर भी आया करेंगे और बाहर भी जाया करेंगे। ये देखिए अब ये दाना चुभ रही है पर फेंक रही है ज़्यादा, मिट्टी में ही खेल रहे थे। यहाँ पर मास्टर केज खाली लग रहा है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाने वाला हूँ, जो कि मैं आपको भूल गया, अपने डक्स के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉलिथीन वगैरह लगा दूंगा और यहाँ पर थोड़ी सी मतलब स्पेस सीमेंट कर लूँगा इसको, और इसमें हम वाटर रखेंगे और हम जल्दी डक्स के बेबीज भी लाने वाले हैं दोस्तों। इन्हीं चंद दिनों में बस ये मौसम थोड़ा बदल जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंसान बाहर ही नहीं जा पाता क्योंकि इतनी गर्मी है दोस्तों, क्या करें। तो अभी पहले मुझे एक काम करना है, पहले ये मुझे ना जमा करना है, चलिए छोड़े शाम को कर लेते हैं। ये इसमें कनक और बाजरा वगैरह है, अब तो इन्होंने ज़्यादा कर ही दिया है, अब क्या फिर से करेंगे। ये सुबह से ना बड़े खुश है क्योंकि इनको कोई मारने वाला नहीं है ना। ये देखिए मुर्गी कैसे मुझे देखती है, इसको ना बच्चों में बड़ा प्यार है। देखिए ये ले बच्चे, बच्चा ही है ये ना मुर्गे, मुर्गे दोनों मुर्गे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे बड़े हुए हैं ये मुर्गी, भी बहुत अच्छी है दोस्तों। और जल्दी ही मैं अपने सेटअप पे क्या बोलते हैं डक्स के बेबी लाऊंगा, तो आपको तो मैंने बताया ही था। और जल्दी हमारे पिजन्स भी आने वाले हैं, टेंशन ना ले आप, और मुर्गे आएंगे। पर मुर्गा मैंने ऑर्डर कर दिया है, इसके लिए वाइट कलर का है, फुल वाइट है, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो आ जाएगा 2-3 दिनों तक इंशाल्लाह। मुर्गे को ऑर्डर मैंने दे दिया है और सुबह से ये फीड मैंने इनको दी थी, खा रहे हैं, थोड़ा सा ज़ाया किया है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए। और आपको मैं भूल गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मैंने कुर्बानी का जानवर भी लाया था पर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था ईद के दिन ही। तो मैं कुर्बानी के जानवर का शॉर्ट या आगे कुछ हेडिंग वगैरह दिखा दूँगा, थंबनेल रख दूँगा मैं अगर हो सके तो, आप अंदाज़ा लगाना कैसा बकरा लाया था मैंने कुर्बानी के। अब तो बहुत टाइम हो गया है ईद को, मैं नहीं बना पाया वीडियो, इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि वो गलती हो गई, मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये ना तब से खुश है जब से वो सारे गए हैं ना, ये खुश है पर मैं उदास हूँ, कुछ खाली लग रहा है ये मास्टर केज ना भर के था वरना। ये देखिए बड़े खुश है, इनको कोई अब पीटने वाला नहीं है ना, उसने पानी रख दिया है छोटा सरदार, इसको हम उड़ाते हैं आज, हम इनकी फ्लाई कराते हैं। चलिए इसको पर आएगा नहीं ना, यहाँ पर रख देता मैं इसको, चल बैठ ले बैठ ले। ओ शिट दोस्त ये तो पहले ही उतर गया, मैंने तो वीडियो रखा ही नहीं, किससे उतारे इसको, हाँ यहाँ पर रख देते हैं। इसको ना आदत होगी माँ के साथ बैठने की, इसकी माँ भी ज़्यादा यहीं पर बैठती है, देखते कैसे आता है, आएगा ना इसको पंख आ गए उड़ सकता है। ये देखिए कैसे उड़ता है, देखा दोस्तों आपने, इनकी माँ भी ना ऐसी उड़ती है, खतरनाक फ्लायर है।
ये ना अभी छोड़ा है, इसको मैंने उड़ा था अभी, ये देखिए अभी छोटा है उससे और चोंचे मारता है, देखिए कैसे चोंचे, ये अभी छोटा है, छोटे थे जब मैंने इनको लाया था, अब तो बहुत ही अच्छे बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।